गाइस, हमने कुछ दिन पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यूट्यूब पर कंटिन्यू रहेंगे और कंटिन्यू वीडियो शूट किया करेंगे, बट हमें टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हम दोनों की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे सुबह जाना होता है, फिर दिन को मैं आती हूँ क्योंकि स्प्लिट शिफ्ट होती है ना, तो फिर शाम को वापस आती हूँ और इनकी जो टाइमिंग है वो कंटिन्यू रहती है, स्प्लिट शिफ्ट रहती है, तो जिस वजह से हमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं रह रहा था। लेकिन अब हमने फिर से डिसाइड किया है कि हम यूट्यूब को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लोकेश का इंटरेस्ट है यूट्यूब में, तो मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो चलो, आज का हम जो पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे, अब आज घूमने जाने वाले तो टेम्पल पे बनाएंगे वो, कि दुबई में एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे भी दो तीन टेम्पल है, उसमें से हम आपको एक टेम्पल ले चलेंगे। चलो, कुछ देर बाद हम रेडी होते हैं और आपको ले चलते हैं, ले चलते हैं वहीदी। सॉरी गाइस, बेशक बनियान में दिख रहा हूँ लेकिन एक बात का खास तौर पे मुझे बहुत ज्यादा मतलब शिकवा है, एक शिकायत है मुझे यार। मतलब आज जो लोग गंदगी फैला रखी है जिन लोगों ने YouTube पे, वो किसी भी तरह के अश्लील बेकार के वीडियोस जो है वो लोग डाल रहे हैं, उन वीडियोस को आप लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, उनको लाइक्स मिलते हैं, उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, या तो शायद आप लोग उन चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आप लोगों को वही चीज़ों का इंटरेस्ट है। और अगर कोई नॉर्मली कोई एफर्ट मार रहा है या फिर कोई कोशिश कर रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाए, तो उन चीज़ों को लाइक तो क्या मतलब, बंदे देखने के बाद में लाइक देने में भी कतराते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो गाइज, डोंट मूव टूवर्ड्स रॉन्ग थिंग्स यार, ये सब चीज़ें जो है ना ये कुछ क्षणिक रहती हैं और आपको सिर्फ अट्रैक्ट कर सकती हैं लेकिन दे कैन नॉट गाइड यू थ्रू अ राइट पाथ। तो बस यही बोलना चाहूँगा यार मैं, क्योंकि मेहनत तो अपन भी बहुत करते हैं, जितना वीडियो बनाने में जितना मेहनत लगता है वो सारी मेहनत जितनी दूसरे लोग करते हैं वैसे हम लोग भी करते हैं, और थोड़ा छोटा मोटा टाइम निकाल करके हम लोग वो वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि लोग सोचते हैं क्या क्या देखने का, स्क्रॉल कर दो। और आजकल तो यूट्यूब में भी एक काइंड ऑफ जेलस जो है वो डेवलप हो गया है, लोगों को लगता है कि दैट इफ़ इनको सब्सक्राइब करेंगे तो दे विल अर्न मनी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब, वी आर जस्ट विलिंग टू हैव दैट सम पीपल विल वॉच अस एंड हमें कुछ फेवर मिलेगा उससे, दैट इज इट, जस्ट बिकॉज एक शौक रहता है सबका। मैं शौकिया तौर पे यूट्यूब करता हूँ, इज नॉट फॉर अर्निंग, ठीक है। और अर्निंग के लिए आई एम इंजीनियर, आई एम अर्निंग एट माई ओन सैलरी, शी माई वाइफ इज अ फार्मासिस्ट एंड शी इज अर्निंग फ्रॉम हर ओन जॉब, सो नीड नॉट टू हैव एनी सेपरेट इनकम फ्रॉम यूट्यूब। हाँ, अगर वो मिलती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज हमारा कंटेंट बकवास नहीं होता, हम लोग मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं रहती। हाँ, शायद इसीलिए आप लोग उसको पसंद नहीं करते। तो गाइज, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, थोड़ा सा भी आप उसको पसंद करते हैं, तो ज़रूर एक लाइक तो दे दिया कीजिए यार, कम से कम एक लाइक तो दे दीजिए। सब्सक्राइब करने में भी इतना कोई बड़ा जाता नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे हैं उसमें, आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना होता है जिसमें सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। उससे मोटिवेशन मिलती है और कहीं ना कहीं वो वीडियोज़ आपके काम ही आने वाले हैं। अगर हमें मोटिवेशन मिलती है दैट ओके, हमारे वीडियोज़ को लोग देखना पसंद करते हैं, तो वी कैन गाइड यू थ्रू मैनी प्लेसेस हियर इन दुबई, इन इंडिया एज वेल, इन हिमाचल प्रदेश, मैनी प्लेसेस आर देयर जो हम लोग मोस्टली विजिट करते हैं, तो हम उस चीज़ की आपको जानकारी दे सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट। अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट है, आप हम लोगों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट द ओनली थिंग इज इफ़ you are willing to watch, और अगर आप support करना चाहते हैं तो for that support you just need to like it, you just need to subscribe our channel and you have to give a small like to us so that we will be getting motivated, we will be getting encouraged for making some more videos of those kinds. So please comment कीजिए आप, ये खाना नहीं खाया था तो अब वो पराठा बना रही है, बढ़िया बन गया पराठा, गई काफी अच्छा बेहतरीन बन गया पराठा। तो क्या मतलब ये यहाँ पे इस तरह के ना ऐसे ऐसे वाले पराठे मिलते हैं यार, ऐसे ना इसके अंदर देखो ये नेचुरल मालाबार पराठा और स्पेशल ऑफर है इसमें, मतलब दो मिल गए तीन, ये तो ऐसे करके बढ़िया इसके अंदर पराठे होते हैं, फ्रोजन होते हैं, और इसको बनाओ और सीधा डायरेक्टली खा सकते हो। शिवानी ने खाना नहीं खाया था तो उसके लिए मैं पराठा मैं सोच रहा था बना दूँ,
लेकिन मेरी रेसिपी अगर चेक करो ना, मैं तो देखो मैक्रोनी वहाँ पर रखिए, गंदा सा कपड़ा साइड में रख देता हूँ। तो ये देखो मैं चिकन बनाया था भाई, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है चिकन भी, दिख रहा है भाई। तो ये दादा भाई लोग बनाए हैं और देखो बेहतरीन है ना, देखने में खूबसूरत है, माशाल्लाह लग रहा है माशाल्लाह। बंद करो, जल्दी जल्दी बना लो यार, क्योंकि उसके बाद ना हमें जाना है, क्योंकि अगर दिन दिन में हम जाएंगे तो व्लॉग थोड़ा अच्छा बनेगा और हम लोग अच्छा मतलब थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे भी गोल्ड सूक के अंदर इतना इतना सारा अलग अलग तुम्हें मतलब ड्रेसेस पूरे गोल्ड के फुल ड्रेसेस बनाए हुए हैं यार। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं अभी फरीदी, फरीदी में यहाँ पर टेम्पल, और टेम्पल से आते वक्त हम जाएंगे गोल्ड सूक, और गोल्ड सूक में जो वहाँ पे पूरी गोल्ड की सारे गोल्ड के चक्कर में तुमने ये नहीं भी जला नहीं देना कहीं पराठा यार, मेरे को लग रहा है पराठा जल ही गया है, थोड़ा तो जल ही गया। आज थोड़ी कम रखो ना आप बाबू, तो फिर इसमें ठीक ये बनेगा। यार गैस चूल्हा तो बहुत घटिया है, मतलब इसको ना चेंज करना पड़ेगा हमें यार, तुम बदल नहीं पा रही, उसको बदल दो ना इस तरीके से। क्या यार आजकल की लड़कियों का ना मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है काम वाम करना। देखो तो गाइस ये पराठा बन गया, देखो फ्रोजन एकदम बढ़िया करके तैयार हो गया पराठा, ठीक है। सब्जी गर्म करनी चाहिए तो सब्जी मैं थोड़ा चालू कर देता हूँ गर्म। तो गाइस ये बन चुकी है सब्जी भी गर्म, हमारी सब्जी बेहतरीन बनाया हूँ मैं, सब्जी की मालूम है, और सब्जी ऑयल नहीं, वो रोगन है यार, उसको रोगन बोलते हैं शिवानी। खुशबू तो देखो तुम इसकी, क्या खुशबू बेहतरीन आ रही है। देखो ये थोड़ा गंदी कढ़ाई थोड़ा साइड से गंदी होगी गई, क्योंकि ऊपर ऊपर आ जाता ना यार वो चलो चल के, तो फिर इसलिए। बट पराठे एकदम बेहतरीन रेडी है। देखो शाम के लिए मैंने मैक्रोनी भी थोड़ी सी कर रखी है, थोड़ी मैक्रोनी भी बनाएंगे शाम को, और बाकी चिकन तो अपना लजीज बनाए एकदम। फाइनली फाइनली गाइज वी आर रेडी टू मूव नाउ। ओ इतना लेट यार, चलो ओके, सो नाउ वी आर रेडी, लेट्स गो, चलो ओके, मैं ज़रा रूम लॉक करता हूँ। तो गाइस फाइनली शिवानी तैयार हो गई और हम निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा है तैयार होने में। लगता है उसकी आवाज़ आई होगी, इधर ही वो सुन रही है, करने पड़ सकते भाई निकलना, मूव करने का। तो निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, बाहर अंधेरा लगभग होने ही वाला है, तो वीडियो में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो सकती है, देखते हैं क्या। एक्सप्लोर करेंगे अपना ये नेक्स्ट ब्लॉग में गोल्ड सूक है, और शिव मंदिर हम जाने वाले हैं, तो बस से भी ट्रेवल करेंगे हम लोग, बस से भी जाएंगे और दिखाते हैं आपको कैसा रहने वाला अपना दुबई बस। लेट्स गो, चलिए अपने स्टेशन तक पहुंचते हैं जहां से हमें बस लेनी है, वहां से हम बस लेकर के रवाना होंगे गोल्ड सूक। यार हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, हम लोग सोच रहे थे कि मौसम जो है थोड़ा सा बाहर गर्म रहने वाला है, वैसे भी दुबई का मौसम जो थोड़ा गर्म रहता है, राइट शिवानी? और बिल्कुल आज काफ़ी हवा एकदम चल रही है और मौसम एकदम ठंडा सा बना हुआ है, तो मज़ा आएगा, मतलब गर्मी भी नहीं है, तो वी विल बी एंजॉयिंग दिस ट्रिप, राइट? हमारी बस जो है हमारे सामने, अब यानी दरवाजा खोलेंगे, खोलो दरवाजा, लेट्स गेट इन गाइस, बाहर पहुंच करना है, ओके। तो गाइस दुबई बस में हम एंटर हो चुके हैं, आरटीए जो है यहाँ का रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बस, दुबई में पूरे दुबई में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बस चलती है, काफ़ी बेहतरीन बसेस। और गाइस बस में तो गाइड एकदम आपको बस में एकदम फुल गाइड मिलेगी। अभी हम बस में बैठ चुके हैं और जाने वाले हैं गोल्ड सूक बस स्टेशन, नहीं सॉरी, हम जाने वाले हैं अब दुबई बस स्टेशन,
अलगोरोगा से हम थोड़ा सा पैदल ट्रैक करेंगे और हम पहुंचेंगे टेम्पो के पास में जहां पर हम लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद में वापस बैक हो। तो आप देख सकते हैं कार जो है आरटीए के ये 25 किलोमीटर में चलते हैं। ये कार्ड आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जीरो किसी भी बस स्टॉप के मतलब नाउ कार्ड वेंडिंग मशीन है तो आप ये कार्ड जो है बनवा दुबई के अंदर में 25 दिरहम्स में यानी कि ऑलमोस्ट 500 रुपये में ये कार्ड बनता है इंडिया के 500 रुपये और आप ट्रेवल कर सकते हो रिचार्ज करने के बाद कार्ड को एक बार जब आप कार्ड खरीदते तो उसमें आपको गर्म बैलेंस मिलता है सबसे गर्म के अंदर काफ़ी सारा टाइम ट्रेवल कर सकते हो वन टाइम 7.5 दिरहम्स मैक्सिमम जो है जितनी दूरी तक आप ट्रेवल करते हो उसमें 7.50 दिरहम्स जो आपके करते हैं अगर मैक्सिमम ट्रेवल करते हो। अभी देखिए हम अलबराहा स्टेशन से हम लोग बैठे थे अलबराहा के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो होने वाला है गोलसू के बाद में जो नेक्स्ट स्टेशन है वो होने वाला है अलगुबैबा पे हम लोग ऑफ रोड होंगे बस से और फिर हम थोड़ा सा पैदल वॉक राइट बोलोगी ना तुम चलने में थोड़ा सा कतरा थी और आप मजा आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब कर दो मजा बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलो चलते शिव टेम्पल माइक ऑन ऑलरेडी माइक नहीं तो काफी कचरा टाइप के लोग बीच में मिलते हैं यार अजीब हो गई तो एनीवेज ऑलमोस्ट ऑन द वे हैं शिव टेम्पल की तरफ में और हमारा छोटू माइक भी साथ में चल रहा है कैमरा शिवानी की तरफ में टोटली कर सकते हैं। अभी पैदल वॉक करेंगे थोड़ा सा 1.1 ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हमें चलना होगा पैदल उसके बाद में जो है हम पहुंचेंगे टेंपल की तरफ। गाइस चलिए थोड़ा फ्रंट व्यू आपको दिखाएंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो ये दुबई की मार्केट आसपास शाम का दौरा तो शाम के दौरे के वक्त में बाज़ार कुछ ऐसा दिख रहा है इस वक्त। दुबई रात को एकदम चमचमाता शहर है और काफ़ी सारे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे। इफ्तार हो चुका है ख़त्म इफ्तारी हो चुकी है समाप्त तो मतलब सभी लोग खाना वाना खा चुके हैं एकदम बढ़िया अभी तो अब होगा समागम घूमने का। चलिए फिर घूमते हैं बाज़ार में। नेपाली लोग काफ़ी मिलेंगे आप दुबई में सही है। और ऑल राइट गाइस तो ये बरदुबई गोल्ड सुख पहुंच चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत दुकानें अगर आप आसपास गौर फरमाएंगे तो काफ़ी एक ओल्ड ट्रेडिशनल एक ट्रेडिशनल मार्केट आपको देखने के लिए मिलती है। देखिए इटालियन सिल्वर 925 जो है यहाँ पे आपको सिल्वर मिलने वाला है। तो इस वक्त प्रॉपर गोल्ड सुक के अंदर हम हैं और देखिए ट्रेडिशनल शूज पंजाबी जूतियाँ आपको मिल जाएगी भाई यहाँ। देखिए कैसा लग रहा है ये तुम्हें कोई चीज़ पसंद है इसमें? काफ़ी सारी डेकोरेशंस की आइटम्स हैं और मसाले अलग अलग तरह के दिए यहाँ की बखूर कोई बात नहीं और ज़रूर ज़रूर काफ़ी ट्रेंडिंग थिंग्स ट्रेडिशनल वियर्स एक छोटी जो दुकान है ना वो आप बेहतरीन मिल जाती है आपको। देखिए 200 रुपये में आपको ये पूरा सूट यहाँ पर मिलने वाला है और काफ़ी अलग अलग तरह के ड्रेसेस जो हैं काफ़ी शाही अलग अलग तरह के ड्रेसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
गन्ने का जूस गाइस, गन्ना भी है यहाँ। ये देखिए बखूर जल रहा है, काफी खूबसूरत दुकान है।